गुड आफ्टरनून एवरी वन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। तो आज यहाँ पे हम फुल डे एनालिसिस करने लग रहे हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी। मोस्टली काफ़ी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल से, आज के दिन पे क्वेश्चंस कम आए हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं। काफ़ी सारे जोन से बच्चों ने बोला है, तो वहाँ पे सिर्फ दो क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं पूरे पीरियोडिक टेबल से। और मैंने आपको फ्राइडे को ये बात बोली थी कि पीरियोडिक टेबल से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे ना, लेफ्ट राइट अपर डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन को लेके हर तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बट एक चीज़ है कि एट द एंड आपका पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस तो आते ही रहेंगे, उसका नंबर भले ही कम हो। तो यहाँ पे सीधा क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। पहली स्लाइड देखिए आप, यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड देखिए, यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा 289 जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 19 एटॉमिक नंबर पोटेशियम के लिए बना रहा है। ये पीरियोडिक टेबल में क्या है, कहाँ पे रखा हुआ है, तो याद रखना है आपको पहला ही जो हमारा ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप जो है यही आपका किसमें, पोटेशियम के लिए इसको यहाँ पे रख रहा है। और मैंने आपको एनालिसिस में भी बताया था, इसको 289 ना लिख के 2881 लिखा जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मिनिमम इन, तो ध्वनि का वेग सबसे कम जो है रहता है मिनिमम और मैक्सिमम, तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम आएगा। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा रहता है स्टील में, मैक्सिमम, ठीक है, सबसे ज़्यादा रहता है स्टील में, सबसे कम रहता है गैसों में, और बिल्कुल जो है वो नहीं ट्रैवल करती है ध्वनि किसमें, निर्वात में या फिर वैक्यूम में। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 283 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से ग्रुप को आती है, तो पीरियोडिक टेबल में तीसरे ग्रुप को हमारी ये जो 283 है वो लाई करती है। नेक्स्ट देखिए, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर आपको पूछा है, तो KWH किलो वॉट आवर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ वेट, भार का आपको सूत्र पूछा है, तो मास इंटू ग्रेविटी हमारा इसका फॉर्मूला होता है। वेट जो है, भार जो है वो सीधा सीधा मास के ऊपर और ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि द्रव्यमान या मास जो है वो कांस्टेंट रहता है। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, ब्रोमीन किस में आता है, कौन से ग्रुप में, तो आपको याद रखना है ब्रोमीन जो है वो 17th ग्रुप में लाई करता है, और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सारे के सारे हेलोजन कहलाते हैं, और सातवां ग्रुप वैलेंसी जो है वो एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 7, ग्रुप नंबर 17 यानी कि हेलोजन। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, टिश्यू जो रूट्स में मौजूद होते हैं, रूट्स की टिप पे मौजूद होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, मेरिस्टमैटिक टिश्यू हम उनको बोलते हैं। टेंथ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, थैलोफाइटा इज एसोसिएटेड विद, थैलोफाइटा किसके साथ एसोसिएट करता है, तो याद रखना है आपको एल्गी के लिए हम बोलते हैं थैलोफाइटा। इलेवंथ, टॉर्क को लेके क्वेश्चन आपको पूछा गया था, वैल्यू मैं आपको बता दे रही हूँ क्या थी आपकी, टॉर्क जो है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है, और इसमें फोर्स दिया हुआ था 5 न्यूटन और डिस्टेंस दी हुई थी 4 मीटर, तो 5 × 20 न्यूटन मीटर जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। अगला देखिए क्वेश्चन, हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन फिश हार्ट, मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो आपको लिखना है यहाँ पे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय, तो वोल्टेज से इसको नापा जाता है। नेक्स्ट देखिए 14 क्वेश्चन, आपको कैल्शियम ऑक्साइड का पूछा हुआ था कि कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम दिया हुआ था, वहाँ पे आपको बताना था क्विक लाइम या फिर बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है, तो क्विक लाइम जो है वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए 15 क्वेश्चन, लास्ट एलिमेंट इन पीरियड इज, तो जब हम पीरियड्स की बात करते हैं तो इधर से इधर तक जब हम जाते हैं तो आखिरी जो है वो क्या होता है, नोवल गैसेज या अक्रिय गैसेज उन्हें बोला जाता है। ब्लू विट्रियॉल क्या होता है, नीला थोता जो है वो हम किसके लिए टर्म करते हैं, तो याद रखना है कॉपर सल्फेट, CuSO4 जो है वो ब्लू विट्रियॉल करते हैं। काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल्स जो हैं, काइनेटिक एनर्जी के आपके न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करके आपको क्वेश्चन आया है, जहाँ पे फोर्स आपको 350 न्यूटन दिया है और मास 70 kg दिया है, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी,
तो 5 meter per second square आपको याद रखना है. 19 क्वेश्चन, नेम दी नॉन मेटल विच इज एल्कलाई इन नेचर. तो एल्कलाई हमारा पहला ग्रुप है और पहले ग्रुप में हमारा एक ही नॉन मेटल है, मतलब कि हाइड्रोजन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. फलों को पकाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है. तो मैंने आपको दोनों आंसर लिख दिए हैं. एसिटाइलीन जो है वो आपका कृत्रिम रूप से, मतलब कि आर्टिफिशियली बनाया जाता है, और इथाइलीन जो है वो नेचुरली फाउंड होता है. 21वां क्वेश्चन कि एक्टिनॉइड में आपको कितने तत्व होते हैं टोटल. तो 14 आपको याद रखने हैं. पक्षी, बर्ड्स की अगर हम बात करते हैं, एव्स की, तो उनके हृदय में कितने कक्ष होते हैं या कितने चैम्बर्स होते हैं. तो आपको याद रखना है, मैमल में और बर्ड्स में 4 कक्षीय हृदय होता है. रेप्टाइल्स में और रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में 3 कक्षीय, 3 चैम्बर हॉर्ड, और मछलियों में 2 कक्षीय हृदय. आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी के हिसाब से दिया था कि अगर एक डिवाइस 0.6 एम्पियर का लाइट लेता है, 0.6 एम्पियर का करंट लेता है 10 मिनट के लिए, तो कितना चार्ज कंज्यूम होगा. तो Q इंटू क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी आपको यहाँ पे लगाना है. जैसे कि आपको पता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, इसको हम कैलकुलेट करेंगे. और इसको आपको मिनट को ना सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, राइट. नेक्स्ट देखिए, चार्ज ऑन DNA पूछा है कि DNA के ऊपर कितना क्या चार्ज होता है. तो इससे रिलेटेड पहले एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे हिस्टोन का चार्ज पूछा था. तो याद रखिएगा, हिस्टोन्स पॉजिटिवली चार्ज होता है जबकि DNA नेगेटिवली चार्ज होता है. 25वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 25वां क्वेश्चन देखिए, सलाइवा कंटेन्स विच एंजाइम. लार में कौन सा एंजाइम होता है. तो टाइलीन और आइसोजाइमेज 2 होते हैं, ऑप्शन नहीं दिए थे इसीलिए आपको दोनों लिख के दे दिए. जो भी आपको ऑप्शन में आए आप टिक करिएगा, टाइलीन और आइसोजाइमेज. 25वां क्वेश्चन आपका, टीथ कितने मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं आपको बताना है. तो 4 दांत होते हैं, ये चीज आप याद रखिएगा. अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ बोन्स इन बोथ नीज टुगेदर. दोनों घुटनों में कितनी हड्डियों की संख्या, दोनों घुटनों में मिला, दोनों पैरों में मिला के, देखिए घुटने कहाँ पे होते हैं, पैर में होते हैं, दोनों घुटनों में मिला के टोटल कितनी हड्डियां होती हैं ये पूछा है. तो आपको 2 जो है वो याद रखना है, और आपको इसके साथ ये भी याद रखना है, दोनों घुटनों में मिला के आपकी, दोनों पैरों में मिला के 2 घुटने और 2 हड्डियां हो गई. और इसका नाम भी आप याद रखिएगा, इसको पटेला बोला जाता है, ठीक है, पटेला हम इसको बोलते हैं. नी कैप इसको कभी भी टर्म करते हैं कभी कभी, बाकी पटेला इसको नॉर्मली बोला जाता है. तो ये आज आपकी पूरे दिन के क्वेश्चंस हैं, राइट. पूरे दिन में जो आपको एनालिसिस हुआ है वो आपके सारे क्वेश्चंस हैं. इसको आप ज़रा रिवाइज करिए चीज़ों को, कोई भी डाउट हो तो पूछिए आप क्वेश्चन से रिलेटेड. इसमें कुछ भी क्वेश्चंस ऐड या माइनस होंगे तो कोई टेंशन नहीं है. देखो क्वेश्चंस ये आए हैं या नहीं आए हैं ये सोचना ना दूसरी चीज़ होती है, लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन करोगे तो कम से कम 26 या 30 क्वेश्चन आप ये सोच के पढ़ लिया करोगे, आप चीज़ों को रिवाइज ही कर रहे हो, आपके 30 क्वेश्चन तैयार तो हो रहे हैं ना कम से कम. तो सेकंड नेगेटिव थॉट्स की बजाय आप पॉजिटिव थॉट्स पे ध्यान दिया करो. क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं आपके, हर सेक्शन से रैंडम क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं. तो ये मेंटल जो है उसको भी, आपका मेंटेलिटी को भी मेंटेन करता है, एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर करता है. तो कीप रिवाइजिंग द थिंग्स. डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए. वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, राइट. तो थैंक यू सो मच, बाय बाय.